हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट हिप फ्रैक्चर रिकवरी एक्सरसाइजेस के बारे में, यानी कि हमारे कूल्हे की हड्डी के टूटने के बाद में सर्जरी या फिर बेड रेस्ट के बाद में पेशेंट को जो एक्सरसाइजेस बताई जाती है, ये एक्सरसाइजेस कौन सी होती है जिसके द्वारा हम पेशेंट की हिप की स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाते हैं, पेशेंट के हिप की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिप जोन पे बेसिकली तीन तरह के फ्रैक्चर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ्रैक्चर होता है फिमोरल नेक फ्रैक्चर, दूसरा होता है इंटर ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर और तीसरा होता है सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर। 50% केसेस के अंदर फिमोरल नेक फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर नेल डालकर यानी सर्जरी कर इसे स्टेबल किया जाता है। सर्जरी के बाद में पेशेंट को बेड रेस्ट बताया जाता है, लेकिन सर्जरी के सेकंड या थर्ड डे से ही फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती है, कौन सी पेशेंट को मूवमेंट कराने होते हैं, ये पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड होता है। तो अगर आपकी सर्जरी हुई है हिप की, आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है हिप पे, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार चेकअप जरूर करवाएं, उसके बाद ही ये सारी एक्सरसाइजेस करें। मैं एक्सरसाइजेस जो आपको आज बताने वाला हूँ ये ब्रॉड एक्सरसाइज है, यानी कि हम बेसिकली हिप की सारी जो एक्सरसाइजेस पेशेंट को कराते हैं वो सभी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है ये अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है हिप की कोई सर्जरी या फिर फ्रैक्चर होने के बाद जब हम बेड रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं, तो हमारी मसल्स धीरे धीरे वेस्ट होना शुरू जाती है, यानी कि वास्टिंग जाना शुरू जाती है। तो हमें अपनी मसल को एक्टिवेट रखना होता है, हमारी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखना होता है। एंकल पंप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए और आपकी सारी मसल्स में प्रॉपर पंप करने के लिए। इस एक्सरसाइज को आप दिन में दो बार कर सकते हैं, 15 से 20 रिपीटेशन। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग राइजिंग। इसमें हम बेसिकली अपने घुटने की मांसपेशियों, हमारी हिप्स और हमारे लोअर बैक, तीनों मसल्स एक्टिवेट होती है। इसमें आपको पैर को ऊपर तक उठाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर नीचे लेकर जाना है। हो सकता है आपको सर्जरी के बाद में या फिर फ्रैक्चर के बाद में काफी ज्यादा पेन हो, तो आप इसे एक्टिव असिस्टेड भी कर सकते हैं, यानी कि एक्टिवली आपको पावर लगानी है लेकिन किसी के सपोर्ट से आपको ये करना है। धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, फिर आप इजीली इसे बिना सपोर्ट के भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे इजीली कर पाते हैं बिना सपोर्ट के, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ ही से करें, क्योंकि इससे अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप होती है आपकी हिप की मसल में और आपकी घुटने की मांसपेशियों में। इस एक्सरसाइज के भी 10 रिपीटेशन लेने हैं दिन में दो बार। दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज है हमारी हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये एक्सरसाइज है हमारे हिप का अबडक्शन, जो कि हमारे हिप का मूवमेंट होता है। इसमें आपको बस पैर को सीधा करके बाहर की तरफ लेकर जाना है और वापस अंदर लेके आके रखना है। 10 बार आपको इस एक्सरसाइज को करना है, दिन में 2 बार रिपीट करें, हर बार 10 रिपीटेशन लें। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिन लोगों को हिप रिप्लेसमेंट होता है, कोई बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, तो आपको एक्सटर्नल साइड यानी बाहरी तरफ को काफ़ी मजबूत रखना पड़ता है, जिससे कि वो इम्प्लांट पर अच्छा सपोर्ट दे पाए। तो इस एक्सरसाइज को आप उस केसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट की राय जरूर लें। एक गलत एक्सरसाइज आपकी पूरी सर्जरी खराब कर सकती है। एक्सरसाइज का जो एक्सपर्ट है यानी फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्हीं से आप डिस्कस करें। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज है, इसमें बेसिकली हमें सर्किल बनाने हैं अपने पैर को सीधा करके। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज हम इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद में काफ़ी पेशेंटों की हिप की मसल्स, पैरों की मसल, जांगे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वीक होने लग जाती है। इन एक्सरसाइज से हम उन मसल्स को स्ट्रेंथ रखते हैं, मजबूत रखते हैं, जिससे कि वो सर्जरी वाले पार्ट को भी हेल्प करे और मसल जो वास्टिंग जाती है, मसल जो वेस्ट होती है, वो भी ना रहे। तो इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 सर्किल बनाने हैं। अगर आप 5 सर्किल नहीं बना पाते, कोई काफी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, तो आप स्टार्टिंग में 2-2 सर्किल से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें, सेल्फ करने में कोई पेन होता है तो किसी की हेल्प से भी आप इसे असिस्टेड करा सकते हैं। वहीं अब हमारी अगली एक्सरसाइज है, बेसिकली ये हमारा हिप का फ्लेक्शन है, हमारे नी फ्लेक्शन के साथ में। और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्जरी के बाद में जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है वो ये होता है कि आपकी हिप की रेंज बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक हमें बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, हिप के मूवमेंट को रोकना पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज से आपका हिप का मूवमेंट होगा और हिप के मूवमेंट से आपकी धीरे धीरे आपकी हिप की रेंज आना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आप इसे इजीली ले सकते हैं वहाँ तक आपको पैर को मोड़ना है, और अगर आप यहाँ तक कर पाते हैं तो फिर हाथ से पकड़ के और पीछे भी इसे पुश कर सकते हैं, इससे आपकी और अच्छी हिप की रेंज आएगी। ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है, हर सर्जरी के बाद में ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल है आपकी हिप की रेंज को बढ़ाने के लिए।
वही अब हमारी अगली एक्सरसाइज है नी प्रेस, इसे नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हम कहते हैं। ये एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घुटने की मांसपेशियां इसमें वीक होने लग जाती है और बेसिकली हमारे हिप को अगर सपोर्ट करती हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हमें बेसिकली हिप की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और हमारी हैमस्ट्रिंग, इन तीनों मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है हिप के लिए। इस एक्सरसाइज में आपको घुटने के नीचे बस एक तकिए को रखना है और घुटने की ताकत से नीचे की तरफ इसे प्रेस करना है, 5 सेकंड रोकना है और छोड़ना है। दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को करना है, हर बार 10 रिपीटेशन आप ले सकते हैं इस एक्सरसाइज के। हमारी अगली एक्सरसाइज में आपको अपनी एड़ी के नीचे तकिए को रखना है और एड़ी की ताकत से नीचे की तरफ दबाना है। इस एक्सरसाइज में आपकी काफ मसल, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और आपकी ग्लूट्स मसल, तीनों मसल्स एक्टिवेट होती है, उस पर स्ट्रेंथ होती है। दबाने के बाद में आपको 5 सेकंड होल्ड करना है और छोड़ना है। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दिन में 2 बार आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। वही हमारी अगली एक्सरसाइज है हमारी VMO मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी फ्रंट थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके लिए आपको एक तकिए को मोड़कर अपने घुटने के बिल्कुल नीचे रख लेना है और नीचे वाला जो पैर वाला हिस्सा है उसे आपको फिर सीधा उठाना है। फिर उठाने के बाद में 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और वापस नीचे लेके जाना है। घुटने के दर्द में भी काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है इस एक्सरसाइज का। वहीं हमारी फ्रंट मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो भी हमारे हिप को एंटीरियर साइड से वो स्ट्रेंथ देती है। तो आपको इस एक्सरसाइज को भी करना है। अगर आप इसे ईजिली कर पा रहे हैं तो आप इसमें हल्का सा वेट बांध के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के दिन में 2 रिपीटेशन लेने हैं आपको, हर बार 10 बार रिपीटेशन लें। हमारी अगली एक्सरसाइज है हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी हमारी हिप की मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है और फिर हिप वाले पार्ट को ऊपर उठाना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस नीचे लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपको अगर पेन ज़्यादा हो तो इस एक्सरसाइज को ना करें, या फिर हिप को आप कम या ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं अपने पेन के अकॉर्डिंग। ये सभी एक्सरसाइज मिक्स एक्सरसाइज है, तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही करें। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। दोस्तों हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको दोनों घुटनों को मोड़ना है और उसके बीच में तकिए को मोड़ के रख लेना है। फिर आपको दोनों घुटनों को अंदर की तरफ यानी तकिए को प्रेस करना है, 5 से 10 सेकंड उसे होल्ड करना है और छोड़ना है। ये एक्सरसाइज हमारी इनर थाई को और हमारे हिप के एडक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कराई जाती है। दोस्तों ये सभी एक्सरसाइजेज जो हमने आपको आज बताई है ये आपको तब करनी है जब आपको किसी तरह का फीमर पे कोई फ्रैक्चर हो, कोई नील की सर्जरी हो, हिप रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी के अंदर ये एक्सरसाइज को बिना गाइडेंस में ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।